हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। हाउ टू रिमेंबर रिकेट्सिया इन वन मिनट। एक बार नीट पीजी में क्वेश्चन आया था कि प्रोवाज़की विल कॉज इपिडेमिक और एंडेमिक, तो ये मैं क्वेश्चन गलत करके आ गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था इपिडेमिक एंड एंडेमिक। उसके बाद मैंने फिर निमोनिक बनाया रिकेट्सिया का और मैं आज तक कभी नहीं भूला। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देखते हो आप भी रिकेट्सिया कभी नहीं भूलोगे, नेवर। सो रिकेट्सिया को हम लोग डिवाइड करते हैं थ्री ग्रुप्स में, टाइफस, स्पॉटेड फीवर एंड स्क्रब टाइफस। नाउ हाउ टू रिमेंबर टाइफस फीवर ग्रुप। इसको याद करने से पहले आपने हमेशा गेम्स देखे होंगे जिसमें क्या होता है, कोई प्लेयर होता है वो पोल के ऊपर से जंप करता है, इसे हम कहते हैं लीप गेम, दैट इज कॉल्ड एज लीप गेम। जो अच्छा जंप कर लेता है उसे हम कहते हैं प्रो लीप। ओके, सो उसका निमोनिक हो गया प्रो लेफ्ट। प्रो लेफ्ट का मतलब है पी फोर प्रो, एल फोर लाउस, ई पी मीन्स एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एंडेमिक है या क्या है, आंसर इज एपिडेमिक। टी फोर टाइफस। सो प्रोवाज़की का वेक्टर है लाउस एंड इट कॉज एपिडेमिक टाइफस। सो प्रो लेफ्ट इज द निमोनिक, कभी नहीं भूलोगे आप, कभी आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं नीट में गलत करके आया था, प्रोवाज़की में मैंने लिख दिया था एंडेमिक। सो इसका आंसर है एपिडेमिक। नाउ सेकेंड निमोनिक इज टी फेंट। अगर आप इसका इनिशियल सबका वर्ड लेते हैं देन टाइफी का वैक्टर है फ्ली एंड एंडेमिक टाइफस। इसको टी फेंट को याद करने का तरीका क्या है, जितना शादियों में एंड पार्टीज़ में टेंट यूज़ करते हैं हम, तो उस टेंट को मैंने फेंट बना दिया। सो रिकेट से टाइफाई का वेक्टर है फ्ली एंड इट कॉज एंडेमिक टाइफस। सो ऑलवेज रिमेंबर टी फेंट। सो टाइफस फीवर ग्रुप इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर। नाउ हाउ टू रिमेंबर स्पॉटेड फीवर। स्पॉटेड फीवर को याद करने का तरीका क्या है, पहली बात तो इन सब में वेक्टर जनरली टिक होता है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, अब हम कैसे याद करेंगे, तो सिंपल सी बात है, रिकेट्सिया रिकेट्सी विल कॉज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। इसे कैसे याद करेंगे, अभी एक मूवी आई थी ट्रिपल आर, आर आर आर, सो इनिशियल आर आर एंड आर, सो ट्रिपल आर जहाँ पर है समझ जाओ आप, रिकेट्सिया रिकेट्साई विल कॉज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अगेन अगर हम सेकेंड डिजीज़ की बात करें मिस कोनोरी की, तो इसे हम याद कर सकते हैं आइकॉन। आइकॉन मीन्स हमारे जो हीरो होते हैं उन्हें हम आइकॉन कहते हैं। सो इंडियन का आई, इंडियन टिक टाइफस किससे हो रहा है, आंसर इज कोनोरी। सो कोनोरी विल कॉज इंडियन टिक टाइफस। अगेन अगर हम थर्ड नंबर की बात करें मीन्स अफ्रीकन्स, तो आप आसानी से पहचान सकते हो, अफ्रीकी मीन्स अफ्रीकन टिक बाइट फीवर करता है, वेरी इजी। नाउ फोर नंबर पे है रिकेट्सिया आकारी विल कॉज रिकेट्सियल पॉक्स। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, आकार मीन शेप, पॉक्स में शेप चेंज हो जाती है क्योंकि आपका चेहरे पे स्पॉटेड स्पॉटेड काफ़ी सारे रैशेज बन जाते हैं, सो दैट शेप विल चेंज। सो आकार में शेप चेंज हो जाती है मीन्स रिकेट्सिया आकार विल चेंज इन पॉक्स, सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। नाउ लास्ट वन ग्रुप इज स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस में देखो एस आ रहा है, एस का मतलब क्या हुआ, सुसुगुमाशी। सुसुगुमाशी में सुसु मीन्स स्क्रब टाइफस, स्क्रब टाइफस डिजीज़ कर रहा है ये, एंड इसमें एम आ रहा है, एम मीन्स माइट। सो अपने आप में सारी चीज़ें इसी एक निमोनिक में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू समराइज रिकेट्सियल डिजीज़। सो बेसिकली प्रोवाज़की वाला जो ग्रुप है दैट इज़ प्रोलेप्ट एंड देन टी फेंट, अगेन ट्रिपल आर मूवी, आइकॉन, देन आकार में चेंज हो जाता है, पॉक्स में आकार चेंज हो जाता है, एंड देन सुसुगुमोसी में एम है, एम मीन्स माइट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला हाउ टू रिमेंबर रिकेट्स इन वन मिनट। आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपसे चाहे एंडेमिक पूछे, चाहे एपिडेमिक पूछे, चाहे आपसे आइकॉन पूछे, कोनोरी से इंडियन टिक टाइफस होता है, चाहे आपसे ट्रिपल आर मूवी के बारे में कोई पूछे, तो आर 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 मीन्स रिकेट्सिया रिकेट्साई विल कॉज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। याद करने वाली बात यह है कि स्पॉटेड फीवर की मैक्सिमम डिजीज़ किससे हो रही, टिक से। सो ऑलवेज रिमेंबर टिक हमेशा स्पॉटेड फीवर में मिलता है। नाउ हाउ टू रिमेंबर वेक्टर बोर्न डिजीज इन वन मिनट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस्किटो, अगर हम एडीज़ की बात कर रहे हैं तो सेम एडेक और एडीज़ बिल्कुल सेम, यही इसका निमोनिक है जो इसके स्पेलिंग है। तो ए मीन्स एडीज़, वाई मीन्स येल्लो फीवर, डी डेंगी एंड सी फॉर चिकनगुनिया, एंड सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं जेड मीन्स जीका वायरस। सो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय या विच वेक्टर, आंसर इज एडीज मॉस्किटो। नाउ एनोफ्लीज, एनोफ्लीज इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर ओनली मलेरिया, देन क्यूलेक्स, क्यूलेक्स इज़ ए इन्फेक्शन,
हम ऐसे याद करते हैं क्यूलेक्स में डब्ल्यू बी सी इंक्रीज हो जाती है, तो हम चाहते हैं डब्ल्यू बी सी कम हो जा, तो डब्ल्यू बी सी जा, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर बहुत बार पूछते हैं, क्वेश्चन बार बार आता है, वेस्ट नाइल फीवर इज कॉज बाय या ट्रांसमिटेड बाय, आंसर इज क्यूलेक्स। बी फोर बैंक्रॉफ्टियन फाइलरिसिस, एंड सी मीन्स क्यूलेक्स, जे मीन्स जैपनीज एनकेफेलाइटिस। जैपनीज एनकेफेलाइटिस पर अगेन अगेन क्वेश्चन आता है, जैपनीज एनकेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, आंसर इज क्यूलेक्स। ए फोर वायरल अर्थराइटिस, एंड मानसोनिया तो इज़ वेरी इजी, सिर्फ एक ही याद करना है, ब्रूजियन फाइलेरिसिस। सो बेसिकली आपको इतना याद करना है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। अगेन सेंट फ्लाई, सेंट फ्लाई का बड़ा अच्छा सा निमोनिक है, ओके। एस मीन्स सेंट फ्लाई, ओ मीन्स ओरिया फीवर या ओरिएंटल सोर, के फोर कालाजार। ये समझ लो आप, जो मैं आपको तीन चार स्लाइड बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, चाहे नीट हो, यूपीएससी हो, एम्स से, हर साल वेक्टर बोन डिजीज पूछते ही हैं। स्लीपिंग सिकनेस में सीसी यानी स्लीपिंग सिकनेस, अगेन लाउस, जब भी लाउस होता है तो उसका रिजर्वियर ह्यूमन होता है, आपको हमेशा याद करना है। लाउस इज़ ए वेरी बिग टर्म, जो भी बिग मैंने इसलिए बोला क्योंकि लाउस एपिडेमिक टाइफस कर रहा है, एपिडेमिक, एंड रेटफुली एंडेमिक करता है, तो लाउस सुनने में थोड़ा बोलने में भी भारी सा लग रहा है। लाउस मीन्स बड़ा, बड़ा मीन्स एपिडेमिक। हालांकि जब मैंने आपको रिकेट से बताया था तो उसमें बड़ा अच्छा निमोनिक बताया था, सो दैट आप कभी ना बोलो, बट फिर भी अगर हम लाउस की बात कर रहे हैं तो लाउस मीन्स एपिडेमिक। सो लाउस को याद करने का निमोनिक है लेट पर, लेट मीन्स एल फॉर लाउस, ई मीन्स एपिडेमिक टाइफस, टी फॉर ट्रेंच फीवर, पेडिकुलोसिस एंड रिलैप्सिंग फीवर। इन चारों में अगेन अगेन पूछते हैं, एक्सेप्ट में क्वेश्चन आता है, कई बार क्रॉस मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है, कभी मत भूलना। नाउ रेट फिली, रेट फिली को आंसर इज बेचारा, बेचारा मीन्स बी फॉर ब्यूबोनिक प्लेग, ई फॉर एंडेमिक टाइफस। ऑलवेज रिमेंबर रेट फिली विल कॉज एंडेमिक, एंडेमिक मीन छोटा, रेट फिली छोटी होती है तो वो एंडेमिक टाइफस कर रहा है। लाउस, लाउस सुनने में बोलने में बड़ा लग रहा है, इट मीन ये एपिडेमिक टाइफस करता है। एंड सी फोर चिगरोसिस, एच फोर हाइमिनोलेपिस। सो आपको इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आने ही है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद में हार्ट टिक एंड सॉफ्ट टिक, आपको याद होगा हम टिक्की काफ़ी खाते हैं, टिक्की इज़ लाइक फैशन है, ट्रेंडिंग है, सबको पसंद है। तो टी आई के वाई, टी आई मीन्स टिक टाइफस, टिक पैरालिसिस, टुलीरीमिया, एंड के वाई, के में वाई इसलिए लगाया मैंने क्योंकि वाई से कई बार हम कालाजार से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो के वाई मीन्स कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज, के एफ डी। ऑलवेज रिमेंबर हार्ट टिक विल कोज टिक्की, टिक्की, टिक्की में के वाई मीन्स कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज, के एफ डी, के एफ डी ऑलवेज कोज बाय हार्ट टिक या ट्रांसमिटेड बाय हार्ट टिक। नाउ सॉफ्ट टिक, सॉफ्ट टिक का बड़ा बढ़िया सा नेम होने की क्यू आर एस, ई सी जी में क्यू आर एस वेव है, सो दैट सॉफ्ट टिक, क्यू मीन्स क्यू फीवर, आर फॉर रिलैप्सिंग फीवर। सो क्यू आर एस, जब भी आपको सॉफ्ट टिक का याद आए क्यू आर एस याद आना चाहिए। हार्ट टिक मीन्स टिक्की, हम टिक्की खाते हैं, मीन्स हार्ट टिक, सॉफ्ट टिक में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप ये ना सोचो हमें उसे कल कैसे याद करना है। सो जितने भी अभी हमने वैक्टर बोन डिजीज पढ़ी है उनको मैं समराइज करने जा रहा हूँ। सो एडीज का निमोनिक है एडीज, जेड मीन्स जीका वायरस, सो जीका वायरस ट्रांसमिट होता है एडीज से। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स का डब्ल्यू बी सी जा निमोनिक है, डब्ल्यू बी सी मीन्स वेस्ट नाइल, ऑलवेज रिमेंबर वेस्ट नाइल ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स, एंड जे का मतलब है जैपनीज एनकेफेलाइटिस। सैंड फ्लाइम का ओकेज, इसमें जो के है उसका नाम है कालाजार, डोंट कन्फ्यूज विद कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज, कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज कॉज ट्रांसमिटेड बाय, आंसर इज हार्ट टिक क्योंकि उसमें टिक्की निमोनिक होता है। सी सी फ्लाई का स्लीपिंग सिकनेस, लाउस लेट पर, लाउस बड़ा टर्म है तो एंड एपिडेमिक टाइफस करता है। रेट फिली बेचारा, बेचारा मीन्स छोटा, छोटा सा, यानी ये एंडेमिक टाइफस करता है। हार्ट टिक मीन्स टिक्की, एंड सॉफ्ट टिक मीन्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द निमोनिक फॉर ऑल दी वैक्टर बॉन्ड डिजीज। आई एम श्योर कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए आएगा। रिकेट से हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्रॉस मैचिंग हो, चाहे डायरेक्टली क्वेश्चन हो, चाहे एक्सेप्ट में हो। रिकेट से मैंने बहुत अच्छा निमोनिक बनाया बहुत मेहनत करके, मुझे लगता है इसने मेरी तो हेल्प की ही है और लेकिन आपकी भी ज़रूर करेगी। नाउ इट्स टाइम फॉर सम लॉजिकल क्वेश्चंस, राइट। सो सबसे पहले व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मीन्स ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अब देखो याद कैसे करना है, ऊपर ट्रू पॉजिटिव, नीचे ट्रू पॉजिटिव, अब टी का उल्टा एफ है ना, ट्रू का उल्टा फॉल्स, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। सो दिस इज निमोनिक, ठीक है। ऐसी स्पेसिविटी मतलब ट्रू नेगेटिव, सो ऊपर भी ट्रू नेगेटिव, नीचे भी ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव का उल्टा टी का उल्टा एफ, एन का उल्टा पी। सो ये जो मैंने बताया ये सारे फंडे इसमें लिखे हुए हैं, राइट।
सो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी में कन्फ्यूजन नहीं होना. सेंसिटिविटी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव एंड स्पेसिफिटी का मतलब होता है ट्रू नेगेटिव. राइट. नाउ पीपीवी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. राइट. सो देखो सिर्फ इतना सा अंतर है, ये बिल्कुल सेम है. किसके तरह सेम है? सेंसिटिविटी की तरह. सेंसिटिविटी में क्या आता था? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस टी का उल्टा एफ पी का उल्टा एन, यही तो था. बस हमें करना क्या है, सिर्फ इतना सा हमें करना है कि इस एन की जगह हमें पी कर देना है, यानी नीचे वाले में पूरे में पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, इतना ही तो अंतर है. ऐसी नाउ कम टू द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. ये किसकी तरह है? स्पेसिफिटी की. स्पेसिफिटी में क्या होता है? ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस टी का उल्टा एफ पी का उल्टा पी, यही तो निमोनिक है. तो हमें क्या करना है, इस पी की जगह केवल एन कर देना है. ठीक है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है दिस वन इस पूरे पार्ट में निगेटिव रहेगा. ठीक है, इस पूरे पार्ट में पॉजिटिव रहेगा. सो दिस इज द निमोनिक. आई थिंक मुझे लगता है कि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. सो चार चीज़ें मैंने आपको बताई. चार चीज़ें क्या बताई? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिटी, ठीक है, प्लस पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड निगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. ये चारों के चारों निमोनिक, चारों के फंडे, चारों के इक्वेशन आपको याद होना ज़रूरी है, ये आना ही चाहिए आपको. नाउ ICDS. ICDS काफ़ी फेवरेट टॉपिक है आजकल UPSC CMS का. क्वेश्चन आ ही रहे हैं, DGMA में भी इससे क्वेश्चन आया, दिल्ली JDMO में क्वेश्चन आया, CMS में क्वेश्चन आया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CMS 24 ऑल्सो. क्वेश्चन ये आया था, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975 में इसको बनाया गया था. राइट. एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर. इसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर है उसका काफ़ी अच्छा रोल है. वो क्या करते हैं? रिहान इज़ द निमोनिक, मीन रेफरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. ध्यान रखना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरा खाना नहीं देते, कंप्लीट फूड नहीं देते हैं. ठीक है, केवल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं. क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता रहा हूँ आपको. नाउ बेनिफिशियरी क्या क्या है? बेसिकली ये इट इंक्लूड प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है, यानी अप टू छः साल के बच्चे को ये इंक्लूड करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बॉयज और गर्ल बोथ इंक्लूडेड. ठीक है, इसके अलावा बस इन तीनों में सिर्फ ये गर्ल्स को ही इंक्लूड करता है, चाहे वो एडोलिसेंस गर्ल हो यानी 11 से 18 ईयर, प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग वीमेन हो या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वीमेन हो. ठीक है, इन तीनों में सिर्फ वुमेन या गर्ल्स की ही बात हो रही है. तो बॉयज़ केवल एक ही जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो है प्री स्कूल, है ना. इसका मतलब क्या हुआ? अप टू 6 ईयर बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों की बात हो गई. उसके बाद में 7 साल से 10 साल का ये कोई बात ही नहीं करता. ठीक है, नाउ एडोलिसेंस गर्ल की इन्होंने इंक्लूड किया है, देन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की बात करी है, देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात की है. ठीक है ना, इसकी बात हुई है, इनकी बात हुई है. सो 7 साल से 10 साल के बच्चों को इंक्लूड नहीं करता है, एंड इट डू नॉट इंक्लूड प्राइमरी स्कूल चाइल्ड ऑल्सो. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये इजी चीज़ें हैं. अब नाउ कम टू द कितना बेनिफिट मिलता है वो हम देख लेते हैं. देखो सिंपल सा निमोनिक है, चाइल्ड अप टू 6 ईयर क्या बेनिफिट है? प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में क्वेश्चन आया, एंड मालनरिश चाइल्ड में क्या देते हैं ये भी क्वेश्चन आया. ठीक है, तो मैंने एक निमोनिक बनाया कि आप जितनी 500, 600, 800 इन तीनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, 3, 3, तो 500 × 3 = 5×15 सो 15 आ गया. ठीक है, 6 × 3 यानी 18, 8 × 3 = 24 तो ये एवरेज प्रोटीन है. कैलरीज तो इतनी है 500, 600, 800, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एवरेज एक प्रोटीन मिल जाएगा. यानी अप टू 6 ईयर में हम 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन देते हैं, प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग में हम 18 एंड माल नरिश में 24 के अराउंड देते हैं. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग,
यानी 500, 600, 800 3×3, 333 तो ये चाइल्ड अप टू 6 ईयर तक के लिए था, ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग के लिए हम बात कर रहे थे और ये मालनरिश चाइल्ड की बात कर रहे थे। तो दिस इज ये है हमारा पोर्शन है ना, तो 600 तो कंफर्म हो गया एंड 6×3=18 सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे सॉल्व करो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा रट्टे से काम नहीं चलता, को ऐसे ही काम करना पड़ेगा।